this area. जंगल देखो और पेड़ देखो, पेड़ का साइज देखो, लंबा लंबा। सडन चीज है, एकदम सडनली हुआ है सब। कब से गांव था, घर था, हम लोग गली गली से जा रहे थे, अचानक से इतना बड़ा बड़ा पेड़। आज हम लोग ये नया जगह एक्सप्लोर करने आए हैं, विचित्रपुर नेचर कैंप। आते साथ हम लोगों को तो होश उड़ गया, इस तरह से पतला पतला गली था। कहाँ पर आए हैं? नेचर कैंप एंजॉय करने। आज मंडे है जिसके कारण हमें सरकार का वोट नहीं मिल रहा है, वोट मिल रहा है प्राइवेट वाला। यहाँ मैंग्रोव है, मैंग्रोव ही है ना? हाँ बे, या ये क्या पूरा इलाका में है? वो लोग लगाया, अच्छा है, प्लांटेशन है। हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग हाँ हाँ लेके आ रहा, हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। हम लोग कैश भूल गए हैं, वापस जाएंगे कहाँ? इधर जाएगा, कीचड़ से भग भाई जाएगा, जूता गंदा हो जाएगा। कहाँ था हम लोग? दीघा में था ना, हम लोग न्यू दीघा में खा पी के बैठे थे। फिर मैं दूर से एक आइलैंड देखा, फिर उसको मैप में सर्च किया, फिर आइलैंड देखने से बहुत सेक्सी लगा मेरे को। फिर वहाँ पर देखा मैंग्रोव का प्लांटेशन है, और सेक्सी लगा। तो हम लोग डिसाइड किया चलो इधर बैठ के टाइम पास करने से चलो निकलते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। भाई जगह तो बहुत सेक्सी है। कहाँ ये वाला बोट कौन सा? देखो भाई बोटिंग स्टाइल, पानी के ऊपर भाई जगह बहुत सही है। वेट से इधर ही हो गया भाई पूरा। वापस ले आ, आगे आगे नहीं जा, दाड़ा 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 आंते दा, ले आ ले आ ले आ, चल ये दिखा दे, बोलता कनेक्ट करो। हम लोग के साथ हादसा होते होते बच गया, जैसा मैं ड्रोन उड़ा रहा था रोड पीछे रह गया, सिग्नल लॉस्ट हो गया, हम लोग का फटा बोट होगा। और इसको ले गया, अरे बाप रे बाप। देखिए मैंने अपना ड्रोन इधर रखा है, अभी मैं उड़ाऊंगा नहीं, और उड़ाऊंगा जब जहाँ कहीं रुकूंगा। लेकिन मैंग्रोव फॉरेस्ट भाई एक नंबर, एक नंबर। फटाफट नहीं होना, बात छोड़िए, अभी आप नजारा देखिए, बहुत आवाज आ रहा होगा, प्लीज इग्नोर कीजिए। ये शुभांशु सामने बैठा हुआ है, और आप दूर में देख सकते हैं पानी का बीच में इतना सारा पेड़ है। अब वो वहाँ तक जाते हैं कि नहीं वो आपको थोड़ा देर बाद पता चल जाएगा। अब यहाँ पे दिखाने को इतना कुछ है ना, इसलिए अब इतना पेड़ क्या दिखाऊंगा, इसलिए बीच बीच में मैं व्लॉग कर रहा हूँ। बात यह है कि मेरा आईफोन का स्टोरेज फुल हो गया, तो मैं अपना दोस्त का मोबाइल से शूट कर रहा हूँ अभी। हाँ थोड़ा क्वालिटी कम होगा, थोड़ा क्वालिटी कम होगा, उसे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो बनाने नहीं छोड़ेंगे। अभी हम लोग का स्टॉपेज आ गया, अभी गाड़ी में लगे हट जा। ज्यादा गहरा नहीं है ये वाला, ये वाला चल उतर।
अच्छा वो किधर लेके जाएगा? अच्छा दीप अच्छा ना हराम ज्यादा आप ही लेके जाएंगे तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। सुने कि नहीं सुने न्यूज़ की मैंग्रोव का तादाद बहुत कमती हो गया, उसके कारण यहाँ पर वेस्ट बंगाल सरकार पूरा जगह में मैंग्रोव प्लांटेशन कराया है। ओडिशा सरकार ये भी कराया है। चलिए आगे चलिए। बोला तो वेस्ट बंगाल ओडिशा के अंडर आता है। ओडिशा गवर्नमेंट ही होगा। विचित्रपुर आप गूगल में मारिएगा विचित्रपुर सेंचुरी मैंग्रोव सेंचुरी उनको भी ले ले। तेरा भी लेगा रुक जा। सबका दिया जाएगा। ये अपना भांजा। हाँ हाँ पूरा समुद्र आज। पूरा समुद्र ना मास धरते जाबे। अच्छा वो वाला हरा हरा जो दिख रहा वो क्या है? दूर में वो ग्रीन ग्रीन ओटा की आछे दीप दीप आछे। अच्छा दीप 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 माने छोटे छोटे दीप आछे तो छोटे छोटे दीप ना प्लांट है सर। समुद्र आछे ओ ओ যাওয়া যাবে কি নাই না সেটা যাব আমরা কোথায় ওখানে যাব ওখানে ওই দিকে টানের কাছে যাবে সে যে টানিং যে আছে সেই টানের কাছে যাবে ওখানে দাঁড়াবে না সেখানে খালি বন্ধ করে দিব একটুকু দাঁড়াবো বাস এখানে যে মাটি আছে এখানে হ্যাঁ থাকে না মাটি নেই একটু কাদা আছে। ओहो कादा। गूगल मैप में जो फोटो दिखेगा वो यहीं का दिखेगा। अच्छा ये मैप में देखा नहीं तो ये जगह भी इतना बार दिघा आया हूँ लेकिन ये जगह के बारे में नहीं पता था। ये हमारे थे दिघा एक्सपर्ट जो बोले थे हर हर कोना में हर एक कोना को ये मैं दिघा को तेरे को एक कोना घुमा दूंगा बट ये कोना इनसे ये अब अनएक्सप्लोर्ड हो गए। और ये अपना फोटोग्राफर चीसा जान ये आपको कैमरा जस्टिफाई नहीं करेगा बट काफ़ी सही है ये। ये हमारे व्लॉगर साहब ड्रोन उड़ाते हुए कंट्रोल हो रहा कि नहीं हो रहा मैं तो कुछ दबा नहीं रहा हूँ सही चले जा रहा।
फटा पड़ा ना भाई, कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर बाद में मैं छोड़ा सारा कंट्रोल, वो खड़ा हुआ, फिर मैं देखा कि किस तरफ जा रहा, उस तरफ ले गया। मतलब मैं लेके आ रहा था अपना तरफ, लेकिन वो उसको अपोजिट तरफ इतना ढकेल रहा था ना कि वो उसका दम नहीं था आने में। फिर क्या किया मैं उसको स्पोर्ट्स मोड में डाला, स्पोर्ट्स मोड में वो ज्यादा पावर देता, तो स्पोर्ट्स मोड में देख जो एक्सीलरेशन किया ना वो आया भाई। उसके बाद जो आया भाई, जो फटा और क्या बोलू, दिमाग का दही हो गया। मतलब जो फटा था, मेरे को लगा आज मेरा ड्रोन गया मतलब गया भोग में। हालत खराब बट मजा आया लेकिन फटा, इसका फटा बहुत भयंकर फट रहा था भाई, क्या ही बोलू। साउंड बहुत आया इसका, बढ़ता है उसका ही बढ़ता है, बाकी सब मजा लेता है भाई। हम लोग कितना बार बोला था वापस स्टार्ट। अबे मैं तो वापस ला ही रहा था, मैं तो बीच में एकदम उड़ा रहा था, वो जो धकेल के लेके गया ना बे, मेरा फट गया। और ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो गया था, अब बारिश उसमें गिर रहे थे, वो माल फंक्शन करेगा ही करेगा। सुवर्णा द्वीप करके एक आइलैंड था, सुवर्णा आइलैंड, वो जगह हम लोग कैंसिल करते हैं क्योंकि बारिश बहुत खतरनाक गिर रहा है वो आइलैंड में। हम लोग पगल से निकल के आ गए बारिश को काट के। हमारे फोटोग्राफर साहब सामने फोटो खींचते हुए पूरा सीनरी को ब्लॉक कर दिए हैं। बादल बहुत खतरनाक है बादल, और ऐसे ही मौसम में हम लोग भी आए हैं इधर पर ही मौज करने। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप इधर आएंगे और आपके पास ड्रोन है तो आपको बहुत खुजली करेगा ड्रोन उड़ा के शॉट लेने का, भी खासकर जब बोट चल रहा हो। मेरा भी दिमाग में वही आया था, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लिप लिया, वो शायद डाल दूंगा मैं व्लॉग में। लेकिन ऐसा कभी जरूरत मत कीजिए, वो सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि आपका गाड़ी जो मूव करते रहेगा। सेकंड वाले का ऑडियो मेरे फोन में रिमोट आपके पास रहेगा, लेकिन वो एयरक्राफ्ट जो है वो पीछे ही रह जाएगा, छूट जाएगा, ड्रोन आपका पीछे छूट जाएगा और सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा पहले ही। वो एक बार फटा, फिर दूसरे बार अभी फटा, साला एक ही दिन में दो दो कांड हो गया, लेकिन बच गया, मानना पड़ेगा। बोट का कैप्टन वो बोल रहे थे कि इससे पहले भी आया था कोई बंदा लोग वो फिल्म शूट करने के लिए, जो कि 1.5-1.5 लाख का ड्रोन जो होता है बड़ा साइज वाला, वो लोग का हवा के कारण खो गया, कहीं जाके गिर गया ड्यू टू लो बैटरी। इसमें मेरा मोबाइल में वार्निंग पहले ही दिखा दिया कि आपका जो मोटर है वो ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है, जिसके कारण वो आपको रिटर्न टू होम बटन दबाने के बाद भी वो आएगा नहीं, वो वार्निंग दे चुका था। लेकिन मैं तब भी उड़ा ही रहा था, अपने ही ऊपर सर में उड़ा रहा था, लेकिन वो साला चले गया एक बार में। लेकिन समुंदर किनारे कभी ट्राई मत कीजिए, यहाँ तो वैसे मगरमच्छ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो फील जरूर आएगा मगरमच्छ वाला, कहीं मगरमच्छ आपको दिखे। अच्छा फील तो आएगा ही, डर तो लग रहा है कि कहीं मगरमच्छ दिख जाए तो मजा आ जाए, लेकिन वही कहते हैं ना, फिर भी देखेगा वो भी फटेगा तो कैसे चलेगा। बहुत फटने के बाद अभी पानी पिया जाए। प्यास बुझाते हुए, अपनी आग को बुझाते हुए ब्लॉगर साहब, आखिरकार हमारा सफर खत्म। फटने के बाद